बड़ी खबर, पाक विस्थापितों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। जिला प्रशासन की ओर से 117 पाक विस्थापितों को भारत की नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। दो दिवसीय शिविर के तहत 117 पाक विस्थापितों ने अपने पासपोर्ट सरेंडर कर पाक नागरिकता छोड़ दी है। इसके बाद सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए जिला प्रशासन दोपहर 2 बजे 117 पाक विस्थापितों को भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपेगा। अब तक जोधपुर में 5,616 पाक विस्थापितों को पिछले 13 सालों में भारत की नागरिकता दी जा चुकी है। वहीं अभी लगभग 2300 आवेदन लंबित हैं। तो जिला प्रशासन यहां पर भारत की नागरिकता प्रमाण देगा। 117 पाक विस्थापितों ने पासपोर्ट सरेंडर किए हैं, पासपोर्ट सरेंडर कर पाक नागरिकता यहां पर छोड़ी है। और इसको लेकर लगातार आपको बता दें कि कवायद जो है वो जारी है। इससे पहले भी एक बैठक हुई थी, गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया उस बैठक में मौजूद रहे थे पाक विस्थापितों के लिए, जिस तरह से वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो अब ये नागरिकता प्रमाण पत्र यहां से जारी किए जाएंगे, पासपोर्ट सरेंडर किए गए हैं और पाक की नागरिकता यहां पर छोड़ी है। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन आज का पाक विस्थापितों के लिए कहा जा सकता है।